केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदारी मिलते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने विभाग मिलते ही बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों की बैठक ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के एमपी भवन में कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ पहली अनौपचारिक बैठक की। उन्होंने विभागों के प्रमुख विषयों पर सामान्य जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। सरकार नई नहीं है, यह निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम हुआ है और अपने संकल्प में हमने किसान कल्याण हो या रूरल डेवलपमेंट हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बनाकर दिया है। इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज जो कैबिनेट ने फैसला लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, यह काम पहले से जारी है, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कोई नया मंत्री आया तो नया ही करेगा, काम में निरंतरता है तो यह निरंतरता जारी रहेगी। नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।